Hey my divas, welcome or welcome back to my channel. This is Lena and I'm back with yet another MTs video. And in this series, I'm going to only talk about some amazing deodorants and perfumes that I have discovered over a period of time. Kaun sa mujhe achha laga, kaun sa long lasting hai, kaun sa I'm going to repurchase, yes, no, maybe wala scene bhi I'm definitely going to discuss. Bahut zyada video lambi nahi karungi, bahut zyada detail mein baat nahi karungi because there is a lot of deodorants. Aap dekh sakte ho kitna sara deodorants khali kiya hai and summer is still on. Jaane ka naam hi nahi le raha. See, I'm sweating abhi bhi. So summer hai ki jaane ka naam hi nahi le raha. So of course this MT's video is going to be really fruitful for you guys. Just in case अगर आप में से कोई भी बहुत अच्छा टिकाऊ लॉन्ग लास्टिंग डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम की तलाश में है जो कि अंडर द बजट है, अफोर्डेबल है, प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको शेल आउट नहीं करने पड़ेंगे. ऑल्सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स एज वेल दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस MT's वीडियो. दिस एंटायर वीडियो इज डेडिकेटेड टू परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स, मतलब खुशबू को ही डेडिकेटेड है. इसमें मैंने और कोई स्किन किया है क्या या कोई ऐसे आइटम शटम प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं किए हैं. पर्टिकुलर एपिसोड इज डेडिकेटेड एंटायरली टू सम अमेजिंग परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स दैट आई हैव डिस्कवर्ड सो फार व्हिच आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइज. इसमें जो भी मैं दिखाने वाली हूँ डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स, ये मेन्स एंड वुमेन दोनों के लिए है. तो मेन कैन ऑल्सो वॉच दिस एंड कुछ टेक अवे इसमें से मिल जाएगा फॉर श्योर. जो परफ्यूम्स भी हैं इसमें वो सारे अंडर 1000 रुपीज़ के बजट के हैं, मतलब मोस्टली अंडर 500 रुपीज़ वाले ही हैं. एक ही होगा जो एक या दो होगा जो 500 के ऊपर होगा. सो अगैन परफ्यूम्स भी बहुत अफोर्डेबल रेंज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने एम्प्टी किया हुआ है. एंड इफ इट्स इवन वर्थ स्पेंडिंग 400-500 रुपीज़ ऑन दोज परफ्यूम्स और नॉट, बिकॉज 400-500 रुपये भी मायने रखते हैं यार. तो वेस्ट नहीं होना चाहिए 400-500 रुपए भी. तो उसका भी अगर हम कुछ 400-500 रुपए लगा रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट वैसा ही मिलना चाहिए ना. एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो अच्छी खुशबू होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो लास्ट करे. इट्स बड़ा ऑब्वियस दैट जो सस्ती परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट एटलीस्ट 2-3 घंटे का तो स्टे दे. सो दैट इज़ वाई आईव कम अप विद दिस वीडियो, शेयरिंग माई MT's विद यू गाइज इन टर्म्स ऑफ खुशबू. एंड दिस एपिसोड इज एंटायरली डेडिकेटेड टू परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स. Pitara full of deos, so I'll start off with deos first and then we'll move on to the perfumes. So without wasting any more time, let's just dive into the video. तो ये सारे डिओड्रेंट्स वन बाय वन शेयर करने वाली हूँ मैं, बताऊँगी कि टिकाऊ है या नहीं है और दाम का भी हिसाब बता दूंगी कितने तक का है. अगर मुझे याद नहीं होगा तो मैं स्क्रीन पे कहीं इधर उधर ज़रूर से शेयर कर दूंगी. एंड ये भी बताऊँगी इफ आई एम गोइंग टू रीपर्चेज इट और नॉट, येस नो मे बी वाला सीन, ताकि आपके पैसे बच जाएँ, आप अपने पैसे बर्बाद ना करो जैसे मैंने किए हैं. ठीक है, तो चलो फटाफट से पहले डिओड्रेंट से स्टार्ट करते हैं. तो ये है सीक्रेट टेम्पटेशन एंड दिस इज इन द फ्रेग्रेंस ते आमो एक्वा. एंड ये 0% गैस वाला फ्रेग्रेंस है. इट्स वाटरी वाला, वाटर स्प्रे होता है ना जो फुसफुस की आवाज़ नहीं करता, ये वो वाला है. तो इसमें दिस नो गैस, फुसफुस वाला नहीं है, ये वाटर बेस्ड वाला है. एंड दिस इज प्रिटी नाइस स्मेलिंग, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है. मैंने इसका पूरा पैकेट मंगा लिया, इसमें 3-4 डिओड्रेंट्स थे बट आई हैव यूज्ड दिस वन सो फार. दिस वेरिएंट इज लवली, अमेजिंग है ये ते आमो एक्वा. दिस ब्यूटिफुल, येस आई एम गोइंग टू रीपर्चेज इट अगैन. ये वाटर बेस्ड है बट टू माई सरप्राइज ये काफ़ी अच्छा चलता है, मतलब काफ़ी लंबा टिकता है, 3-4 घंटे टिक जाता है. वेर इन ज़्यादातर वाटर बेस्ड मिस्ट जो होते हैं, मतलब ये आप लगा लो कि ये काइंड ऑफ मिस्ट है. अभी तक का जो मेरा मिस्ट का एक्सपीरियंस रहा है इट हैज़न्ट बीन दैट ग्रेट, बिकॉज मिस्ट जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकते हैं, हार्डली 2-3 आवर्स या उतना भी नहीं, बट ये वाला सरप्राइजिंगली 3-4 आवर्स तो टिक जाता है. सो दिस वेरी नाइस एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीपर्चेज इट अगैन बिकॉज इट्स दैट गुड, इट स्मेल्स सो नाइस, बिल्कुल एक्वा फ्रेश फ्रेग्रेंस है. If you are into fresh fragrances, then definitely give this one a try. All right. So the next MT is from this company called Bombay Shaving Company. Bombay Shaving Company का ये deodorant है and is in the variant black, black vibe. So this one is a kind of deodorant spray. वो फुसफुस वाला जो होता है वो है. If I talk about fragrance. सो है एंड लॉन्जेविटी भी इसकी कुछ खास नहीं है, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया. सो इफ आई रीपर्चेज इट, नो, जो चीज़ पसंद नहीं आई तो उसके बारे में ज़्यादा बात क्या करूँ, इसलिए साफ बता दे रही हूँ आई वॉन्ट रीपर्चेज इट. इट्स नॉट दैट गुड, मतलब लगाओ थोड़ी देर स्मेल आती है फिर गायब, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कुछ लगाया भी है. मेंस डिओड्रेंट है,
काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी के, मतलब मेन का ही प्रॉपर ग्रूमिंग किट वगैरह आता है इस ब्रांड का, तो मुझे नहीं अच्छा लगा. सो नो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. हर बार 21-25 मिनट का हो जाता है. दिस टाइम आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि बहुत छोटू सा वीडियो बनाऊँ, मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो जाए करके वाला. देखो कौन आया है, शीजू आया है. शीजू हेलो बोलने आया, मुझे कह रहा था मुझे उठाओ, गोद में उठाओ. लो उठा लिया, हेलो बोल दो. पूछो खाली से शैतानी करनी है सिम्बा के साथ. नेक्स्ट स्टेप इज दिस डिओड्रेंट फ्रॉम नायका इन द वेरिएंट वंडरलस सिसिलियन स्वीट पी. मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ. दिस अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस. इसका मैंने बॉडी लोशन, बॉडी वॉश सब यूज़ किया हुआ है एंड सभी का सेम फ्रेग्रेंस है एंड इट्स लाइक वेरी नाइस. मतलब मुझे इनका ये सिसिलियन पी वेरिएंट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने एक्चुअली पहले भी मल्टीपल इसके डिओड्रेंट्स के बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ एंड मैं अपने पहले भी एमटीज वीडियो में कई बार इसको फीचर कर चुकी हूँ. सो दिस इज़ अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड. दिस लाइक रियली नाइस स्वीट पी फ्रेग्रेंस. मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही फ्रेश एंड फ्लोरल सा फ्रेग्रेंस है विच इज़ लाइक वेरी नाइस, नॉट दैट स्वीट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड यस, आई विल रीपर्चेज इट अगेन. ऑफकोर्स मैं रीपर्चेज कर चुकी हूँ. आई जस्ट कैनॉट बी विदाउट दिस डिओड्रेंट. ये वाला मुझे इतना पसंद है, जैसे ही ख़त्म होता है मैं नया बॉटल पहले खरीद लेती हूँ, स्टॉक इन कर लेती हूँ. सो दिस अ मस्ट बाय. बहुत अच्छा है ये, बहुत 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 अच्छा है ये नायका का ये वाला जो रेंज है. स्पेशली इसका जो वंडरलस रेंज में ये सिसिलियन स्वीट पी बहुत अच्छा है एंड एक रोज़ वाला आता है. यस, दूसरा ये रोज़ वाला, ये भी बहुत अच्छा है, वंडरलस कंट्री रोज़. तो इनका जो वंडरलस वेरिएंट है ना, आई मीन इनका जो वंडरलस रेंज है ना, उसमें ये दोनों बहुत अच्छे हैं. इट्स वर्थ ईच पेनी. ये दोनों इज लाइक आई कैन से दैट दीज टू प्रोडक्ट्स, दीज टू डिओड्रेंट्स आर वर्थ ईच पेनी. एंड ये वंडरलस कंट्री रोज है, दिस ऑल्सो वेरी लॉन्ग लास्टिंग. अगेन ये फुसफुस वाला है, डिओड्रेंट है. इसकी भी इतनी अच्छी रोज़ की खुशबू है ना. एक्चुअली ये यूज़ करने के बाद ही मैं रोज़ के डिओड्रेंस की फ़ैन हो गई, वरना मुझे पहले रोज़ का फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं था. रोज़ का फ्रेग्रेंस है ज़रूर, बट मतलब काफ़ी अच्छा सा फ्लोरल नोट है इसका एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप रोज़ी नहीं है. दोनों वेरिएंट्स ट्राई करके देखो. आई कैन गारंटी, आई कैन बेट दिस दैट यू गाइस आर गोना लव इट फॉर श्योर. एंड अफोर्डेबल भी है एंड 150 ml प्रोडक्ट मिल जाता है. सो दीज टू आर अमेजिंग. आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज. इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रीस्टॉक्ड बोथ ऑफ देम. Next up is this deodorant. Again, this one more deodorant in the list. And ये कौन से ब्रांड का है? ये है MAD का deodorant है. और this in the variant Stellar fragrance from France. Okay. Fragrance तो अच्छी है, but it's not at all long lasting. मेरा जो experience रहा है so far with perfumes and deodorants, जो ये फुसफुस वाले deodorants होते हैं वो काफ़ी long lasting होते हैं in comparison to those mist या water based वाले जो deodorants होते हैं उनके comparison में. But to my surprise, ये मैंने यही सोच के लिया था कि ये long lasting होगा, but to my surprise ये बिल्कुल भी long lasting नहीं है. लगाओ तो थोड़ी देर के लिए खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, थोड़ी देर के लिए खुशबू आएगी, बट फिर उसके बाद को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया भी हुआ है. एक दो घंटा टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है. विंटर्स में पता चलता है कि आप कुछ लगाया हो, बट समर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है. तो वैसे मुझे ये बहुत सस्ता मिला था, 100 rupees के एक डिओड्रेंट पे शायद एक या दो डिओड्रेंट फ्री था. मतलब कि एक एक डिओड्रेंट मुझे नहीं 300 का, आई डोंट नो सॉरी ये 269 का है, तो ऐसे 200 या 300 में एक डिओड्रेंट एक पे एक फ्री था. हाँ 100 rupees में एक पे एक फ्री था, या नाउ आई रिमेंबर. तो ये मेरे को एक तरीके से 50 rupees का ही पड़ा था, प्रमोशनल ऑफर चल रहा था. तो बट आई डिडंट गो मैड एट ऑल आफ्टर अप्लाइंग दिस वन. सो दिस आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज. ठीक है 50 rupees मिल रहा है तो फिर ले लूँगी, कोई नहीं है. बट अदरवाइज लॉन्जेविटी कुछ खास नहीं है, सस्ता मिल रहा हो तो ले सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है फिर. सो इट्स गोइंग टू बी, आई वुड नॉट से नो, इट्स लाइक मे बी, क्योंकि 50 rupees में आई डोंट माइंड बाइंग. These deodorants winters में काम करते हैं ठीक ठाक एकदम. So next up is a body mist from a much talked about brand. This is Plum body mist in the variant Trippin Mimosas. And ये वाकई बहुत अच्छा fragrance है. It's like fresh beachy fragrance, not a regular fragrance. बहुत ही fresh citrusy beachy fragrance है. And ये body mist है.
अभी तक मैंने जितने भी बॉडी मिस्ट यूज़ किए हैं प्लम के, उनमें ये चिप इन मिमोसा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. दिस चिप इन मिमोसा एंड वैनिला वाइब्स काफ़ी पसंद आया मुझे. पिंक मिमोसा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर वेरिएंट्स. एंड ये मेरे ख्याल से 3-4 घंटे चल जाता है, नॉट मोर देन दैट, बट अगेन इट कॉस्ट अराउंड 500 to 600 rupees. 3-4 घंटे ही टिकता है, फिर से आपको रीस्प्रे करना पड़ेगा, मतलब री टचअप करना पड़ेगा. तो ये बहुत लंबा नहीं टिकता है, लॉन्जेविटी नहीं होती है. जो बॉडी मिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू दोस फुसफुस वाले डिओड्रेंट्स. फुसफुस वाले डिओड्रेंट्स मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो टिकते ज़्यादा हैं, बट इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है. एंड इसका परफ्यूम भी मैंने मंगाया, परफ्यूम आई एम येट टू ट्राई. ऑफकोर्स फ्रेगरेंस सेम ही होगा, बट लॉन्जेविटी आई नीड टू चेक, देन ओनली आई विल बी एबल टू शेयर माई रिव्यू. So for now, if I'll repurchase this or not, yes, I'm definitely going to repurchase this variant. Again, another deodorant from this brand called Temptation. तो अभी टेम्पटेशन का मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, सीक्रेट टेम्पटेशन का सबसे पहला वाला जो डियो था वो भी सीक्रेट टेम्पटेशन का ही था. एंड ये वाला भी सीक्रेट टेम्पटेशन का ही है. एंड ये 200 rupees का ये डिओड्रेंट है. अगेन दिस इज़ अ फुसफुस वाला, देख सकते हो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बचा है तो लगा ही लेती हूँ, थोड़ा सा बचा है. तो ये फुसफुस वाला डिओड्रेंट है, खुशबू तो अच्छी है नो डाउट, बट क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? नो, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग एट ऑल. ये ग्रीन वाला, दिस इज़ अ फेयर वेरियंट, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. बट इसका एक पर्पल वेरियंट आता है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. मैंने उसको अभी इंक्लूड, क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट डिओड्रेंट है एंड आई कीप स्टॉकिंग इट अप, आई कीप रीपर्चेजिंग इट, बिकॉज वो पर्पल वाला वाकई बहुत अच्छा है. तो ये पर्पल वाला भी इस बार के एमटीज में है, दिस सीक्रेट टेम्पटेशन इन द वेरियंट रोमांस. एंड दिस इज अमेजिंग यू गाइज, इतनी अच्छी खुशबू है, सॉरी, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है. अगेन ये फुसफुस वाला डिओड्रेंट है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है. दैट इज़ वाई आई कीप परचेसिंग दिस वन. एंड जैसे ही ख़त्म हो जाता है मैं छोटा या बड़ा बॉटल इसका मंगा के रीस्टॉक करके रख लेती हूँ. दो डिओड्रेंट्स हैं जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट बन चुके हैं और वो मतलब एनी टाइम मैं रखती हूँ अपने पास अवेलेबल, मतलब आई जस्ट डोंट गो आउट ऑफ स्टॉक व्हेन इट कम्स टू दीज टू डिओड्रेंट्स. वन इज़ दिस रोमांस सीक्रेट टेम्पटेशन, अदर वन इज दिस इज द डिओड्रेंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. मुझे ये डिओड्रेंट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जब भी जब भी मैं ये वाला डिओड्रेंट पहनती हूँ आई डेफिनेटली गेट कॉम्प्लीमेंट्स. कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्या लगाया है, शेयर करो प्लीज़ डिटेल्स. इसके और भी बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं बट आई लव दिस वन इन स्पेसिफिक, दिस इन द वेरियंट अर्ज. ये वाला इजीली अवेलेबल भी नहीं होता मार्केट में, बिकॉज मैं हमेशा देखती हूँ कि दूसरे सारे वेरिएंट्स मिलते हैं बट अर्ज नहीं मिलता है. सो आई ऑर्डर इट ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अमेजन वाला वेरिएंट अमेजन से मंगाती हूँ, 2 का पैक या 3 का पैक मंगा के मैं स्टॉकिंग करके रखती हूँ, बिकॉज ये फुसफुस वाला है तो जल्दी ख़त्म होता है. एंड फ्रेगरेंस इसकी अमेजिंग है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबा स्टे करती है. इट्स अ परफेक्ट समर डिओड्रेंट, आई कैन से दैट फॉर श्योर, आई कैन गारंटी दैट. ये इतना अच्छा है तभी मैं इतना इसको रिस्टॉक करके रखती हूँ. ये वाला एंड पर्पल वाला टेम्पटेशन वाकई बहुत अच्छा है. सो आप ट्राई करके देखना आप लोग ये वाला अर्ज वेरियंट, श्योर यू गाइज आई गोना लव इट. एंड अगेन ये मेन्स डिओड्रेंट है बट स्टिल आई लव वेयरिंग मेन्स परफ्यूम एंड डिओड्रेंट. मुझे समर्स में स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद आते हैं बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू स्मेल फ्रेश ऑल डे लॉन्ग. ऑल्दो आई डोंट हैव अ बॉडी ओडर इशू एट ऑल बट स्टिल आई मेक श्योर कि मैं बहुत अच्छा फ्रेगरेंस, मतलब मेरी खुशबू जो है ना लिंगर ऑन करती रहे. एंड आई कीप गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माई को वर्कर्स एंड कलीग्स जहाँ भी मैं काम करती हूँ दैट ओ वाओ ही स्मेल सो फ्रेश सो नाइस. आप जहाँ से निकलते हो पीछे से खुशबू की एक ट्रेल छोड़ जाते हो तो सुन के अच्छा लगता है. एंड पीपल ऑल्सो यू नो लाइक इट, हु डजंट लाइक गुड फ्रेगरेंस यार, मतलब एक खुशबू आती है ना तो वो इंसान की पर्सनैलिटी भी उससे पता चलती है कि कितना वाइब्रेंट और फ्रेगरेंट है. तो या सो दैट इज़ द रीज़न आई मेक श्योर कि मैं हमेशा खुशबू लगा के रखूँ, बीट समर्स या विंटर्स. तो मैं डिओड्रेंट और परफ्यूम्स का कॉम्बो लगाती हूँ. तो ये सारा था मेरा डिओड्रेंट का कलेक्शन जो मैंने ख़त्म किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 महीने में लगा के सारा ख़त्म कर दिया. काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, 3-4-5 महीनों में ये जाके ख़त्म हुआ और मैं ये कचरा पूरा इकट्ठा करके रखी हुई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. अभी तक मैंने डंप नहीं किया, आज फाइनली वीडियो बन जा रहा है तो उसके बाद आई एम गोना थ्रो देम ऑल.
बहुत दिनों से मैं कचरा इकट्ठा करके रखी हुई हूँ और अब लग रहा है कि नहीं बस अब वीडियो बना के खत्म करूँ बिकॉज खाली बॉटल का क्या करना है ना. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट्स परफ्यूम्स EDPs एंड EDTs. सो आई विल स्टार्ट विद सबसे महंगा वाला फर्स्ट. एक इकलौता ये जो महंगा है थोड़ा सा 500 रुपये से ऊपर है महंगा, मतलब मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ 500 रुपये से ऊपर है. बाकी जितने भी परफ्यूम्स मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारे बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी के हैं, 500 रुपये या 500 रुपये के अंडर ही हैं. तो दे आर लॉन्ग लास्टिंग इनफ और नॉट, इवन इफ इट्स वर्थ स्पेंडिंग 400-500 रुपये एज वेल और नॉट. तो पहला परफ्यूम जो है वो है ज़ारा का, ज़ारा येलो वेलवेट, एंड ये आया था 990 रुपीज़ का. मैं डब्बा भी संभाल के रखा हुआ है मैंने ताकि आप लोगों के साथ प्राइस भी शेयर कर सकूँ, क्योंकि फिर यू नो याद नहीं रहता इतना कि कौन सी चीज़ कितने की थी. बिकॉज ये जो चीज़ ऑनलाइन ली है चलो वो तो मैं चेक करके बता सकती हूँ, बट जो चीज़ मैंने ऑफलाइन ली है स्टोर से डायरेक्ट जाके ली है उसका प्राइस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम बॉटल लुक्स लाइक. बॉटल इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी येलो वेलवेट. एंड पहले भी मैं अपने एक एम्प्टीज वीडियो में येलो वेलवेट परफ्यूम को फीचर कर चुकी हूँ. दिस इज़ द सेकेंड बॉटल दैट आई हैव एम्प्टीड. इफ़ आई रीपर्चेज इट और नॉट मे बी बिकॉज दो बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ तो तीसरा खरीदने का इतना भी आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ दिस परफ्यूम कि मैं तीसरा बॉटल खरीद करूँ. इस रेंज में मुझे सिर्फ इनका एक ही वेरियंट बहुत ज़्यादा पसंद है जो मैं बार बार रीपर्चेज करती हूँ, दैट्स एप्पल जूस. दैट्स एक्चुअली अ फ्रेश फ्रूटी फ्रेगरेंस जो कभी भी पहनो तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. सो ये वाला परफ्यूम ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, एंड इट्स नॉट इवन दैट लॉन्ग लास्टिंग. इट हार्डली स्टेज फॉर 3-4 आवर्स. धीरे धीरे फ्रेगरेंस फेड होने लगती है एंड फ्रेगरेंस बहुत वाओ नहीं है. इट्स नॉट दैट वाओ फ्रेगरेंस. इसके नोट्स मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली क्या है बट इट हैज़ गॉट पीची नोट्स. काफ़ी अच्छा माइल्ड सा फ्रेगरेंस है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और दैट इन टू द फेस वाला काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है. तो आराम से जिनको माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम वो भी इसको वेयर कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत लाइट फ्रेगरेंस है. मतलब पीटीज वैसे भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते इन कंपैरिजन टू EDP. सो आई मे नॉट बी repurchasing it. Sorry Zara, ये वाला perfume के लिए sorry. Otherwise तो I'm a huge fan of Zara perfumes जो कि काफ़ी affordable range में अच्छे fragrances मिल जाते हैं. Yeah. Next up are these two perfumes from this brand called Ramsons, and I have seen a lot of influencers talking about these perfumes जो कि काफ़ी affordable हैं. ये under 500 rupees के हैं. In fact ये 350 रुपये के ही आते हैं मेरे ख्याल से. Price अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है. This one is for 155 rupees and this one is for 145 rupees. भाई 155 and 145 मतलब 150 रुपये में क्या लोगे बच्चे की जान लो. मुझे लगा था कि ये शायद मैंने 350 रुपये में मंगाया बट 150 रुपये के ये परफ्यूम्स हैं. लेट मी शो की बॉटल कैसा दिखता है. सो दिस इज हाउ दिस वेरियंट लुक्स लाइक. दिस इज द वेरियंट यू आर लवली Ramsons यू आर लवली, एंड ये 30 ml परफ्यूम है 145 रुपीज़ का. सॉरी 155 रुपीज़ का 30 ml परफ्यूम है. इट्स नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग. 155 रुपये से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, बट फिर भी 2-3 घंटे चल जाता है. दो घंटे मैक्सिमम 2 घंटे चलता है, उससे ज़्यादा नहीं. फिर भी 2 घंटे अगर चल जाता है तो यार 155 रुपये वसूली हैं समझो. 30 ml प्रोडक्ट है, खुशबू भी ठीक ठाक है, यूज़ कर सकते हैं. जो बिगिनर्स हैं जो परफ्यूम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है परफ्यूम्स का, डेफिनेटली कैन गिव दिस अ ट्राई. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं. आई वॉज इन कॉलेज ऑफकोर्स आई ऑल्सो यूज टू लुक आउट फॉर सस्ता वाला परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स ताकि मैं वेयर कर सकूँ परफ्यूम्स. अपने कॉलेज लाइफ में भी बहुत महंगे परफ्यूम्स उस टाइम पे ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं. तो ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. अदर वन इज़ ला ओपेल फ्रॉम Ramsons. दिस वन इज़ EDP. अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही परफ्यूम्स EDP हैं. अच्छी खुशबू है इनकी और ये वाला 40 ml का है. सो इफ़ आई कंपेयर बोथ ऑफ दीज परफ्यूम्स तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है ला ओपेल इन कंपेरिजन टू यू आर लवली. यू आर लवली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया. सो आई वॉन्ट रीपर्चेज यू आर लवली. ये पूरा ख़त्म कर चुकी है, कतरा भी नहीं निकल रहा है इसमें से. सो येस डेफिनेटली आई एम गोना रीपर्चेज दिस वन बट नॉट द अदर वन. यू आर लवली वाला नहीं, ये वाला मुझे पसंद है. तो अभी मैंने आपको दो भाई दिखाए परफ्यूम के, और इसके बाद जो मेरे पास है वो है ये दो बहनें फ्रॉम Miniso. या सही पकड़ा है. दो बहनें फ्रॉम Miniso, एंड ये है समर ड्रीम एंड दिस वन इज स्प्रिंग टाइम. ठीक है,
ये फेरी गार्डन रेंज है इनका. दीज आर EDTs, 50 ml के बॉटल्स हैं. अगर इन दोनों में कंपेयर करके बताऊँ कौन सा ज़्यादा अच्छा, विच वन शुड यू गो फॉर, अगर आप दोनों, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस रेंज में एंड कन्फ्यूज है कि कौन सा लेना है, बिकॉज इसमें स्प्रिंग टाइम, समर ड्रीम, विंटर ड्रीम, ऐसे करके कई सारे वेरियंट्स आते हैं. एंड अगर वाकई आप लोग कन्फ्यूज हो एंड में से कोई ये जानना चाहता हो कि विच वन टू गो फॉर, इन केस अगर आप में से कोई इन परफ्यूम्स को लेना चाहता है एंड कन्फ्यूज है कि इनमें से कौन सा लें, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर समर ड्रीम्स. दिस वन इज लाइक रियली नाइस एंड लॉन्ग लास्टिंग. फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट, एंड इट स्टेज ऑन फॉर गुड 4 to 5 hours. 460 rupees का ये परफ्यूम है, 50 ml मिल जाता है प्रोडक्ट, एंड वेरी गार्डन रेंज है. इट्स EDTs anyways बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, 5 से 6 घंटे ही चलते हैं, तो 4-5 घंटे चल जाता है, तो विच इज़ गुड इनफ. एंड दिस वन स्प्रिंग टाइम, इसकी भी फ्रेगरेंस सही है, ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट एज समर ड्रीम्स. ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है इन कंपेरिजन टू स्प्रिंग टाइम. सो नाउ विच वन एम आई गोइंग टू रीपर्चेज, आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. समर ड्रीम्स डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीपर्चेज, एंड स्प्रिंग टाइम नहीं, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज स्प्रिंग टाइम अगेन. इनफैक्ट रिसेंटली मैंने इसका विंटर ड्रीम्स खरीदा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. द समर ड्रीम एंड विंटर ड्रीम बहुत अच्छा वेरियंट है. सो आई एम ऑलमोस्ट डन शोइंग एवरीथिंग टू यू गाइज, एंड द स्टार प्रोडक्ट, द स्टार एम्प्टी ऑफ दिस इंटायर एपिसोड इज दिस बेला वीटा का CEO वुमेन. इट्स EDP एंड बेला वीटा के जितने भी परफ्यूम्स है यार, क्या परफ्यूम्स हैं. 500-600 रुपये में 500-600 का पैकेट आता है, उसमें 4 परफ्यूम्स होते हैं, एंड दे डेफिनेटली आर सेलिंग लग्जरी परफ्यूम्स. इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. आई लव दिस वेरिएंट CEO वुमेन एंड दिस वाइट ऊन, दैट्स ऑल्सो लाइक सो नाइस. 50 ml का ही बॉटल है, तो ऑफकोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. हाँ, बट इतनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, बार बार रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड परफेक्ट फॉर समर्स. जो इनका ऊद वाला कैटेगरी है ना, चुमेश्वरी है. तो आप बंद करके बेला वीटा के परफ्यूम्स यूज़ करो, लगाओ, और ना डोंट गो फॉर बिग साइज, छोटा वाला ले लो. जितने में एक बड़ा लोगे उतने में 4 छोटे वाले आ जाएंगे, पूरा गिफ्ट पैक आता है. मैंने अपने नायका हॉल में शेयर किया हुआ है बेला वीटा का जो गिफ्ट पैक आता है, उसमें जितने भी फ्रेगरेंसेस होते हैं ना, सारे बहुत ही अमेजिंग होते हैं. 4 या 3 या 4 होते हैं हर एक डब्बे में, चारों ही बहुत सुंदर खुशबू होती है, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दीज परफ्यूम्स, जस्ट कैन नॉट बी विदाउट देम. तो बेला वीटा का परफ्यूम, आई रीस्टॉक इट, या आई लव देम दैट मच. अब ज़्यादा मैं क्या ही तारीफ करूँ, तो ये स्टार प्रोडक्ट है भाई, बस इतना ही बोलना है मुझे. शायद बहुत ज़्यादा बोल लिया, आई डोंट नो कि वीडियो कितनी लंबी हो गई, शायद ये वीडियो भी लंबी ही हो गई. छोटी वीडियो तो मुझसे बन ही नहीं पाती है व्हेन इट कम्स टू एम्प्टीज, बिकॉज इतना सारा एम्प्टी होता है मेरे पास शेयर करने के लिए आप लोगों से. नाउ आई एम गोना ट्रैश देम आउट, सब फेंक दूंगी मैं. विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड, सो दैट्स इट फॉर टुडेज एम्प्टीज. आई होप आप लोगों को ये परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स का डेडिकेटेड वीडियो पसंद आया हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वन, कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हिट द बेल आइकन जस्ट इन केस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, या फिर चेकआउट कर सकते हो अदर वीडियोज भी. अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड ऑल्सो डू कॉमेंट बिलो. आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और वीडियोज बना सकूँ. आई लव इंटरेक्टिंग विद यू गाइज, योर कॉमेंट्स. Please keep supporting guys. I'm about to hit 2000 subscribers. Help me reach 2000 subscribers jaldi se. To milte hain aap logo ke saath agle video mein. Tab tak ke liye alvida, bye. Enjoy your life, have fun, and stay stylish.